ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की सभी लोगों की जीत है। इससे पता चलेगा भाई कौन दिहाड़ी मजदूर है, कौन जो है माइग्रेट करके रहता है, कौन ढेला धोता है, कौन ठेला ढोता है, कौन कचरा साफ करता है, कौन भूमिहीन है, कौन भीख मांगता है। इससे जो स्पष्ट पता चलेगा और काफ़ी फायदा जो है इस चीज़ की होगी। बिहार इंच क्रैप, मैं हूँ आपके साथ मिराज मलिक। बिहार में लगातार आवाज़ उठी थी जातीय जनगणना को लेकर। आपको बता दें कि आज सारे दलों के नेता बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे हुए थे और ये तय हो गया कि बिहार में जातीय जनगणना अब होना है। जब इस पर हमने तेजस्वी यादव से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। अब सारी बातें सामने आ ही गई हैं और लगातार शुरू से ही इसकी लड़ाई जो है आदरणीय लालू जी ने लड़ी, पार्लियामेंट में भी सवाल उठाए और जातीय जो गन्ना है आपका सोशियो इकोनॉमिक खास सेंसेस जो हुआ था वो हुआ। बाद में बीजेपी की सरकार आती है तो उस समय अरुण जेटली जी का बयान आता है कि जो डेटा है वो करप्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं से जो इतना देश का सबसे महंगा जो सेंसेस हुआ उसका कोई डेटा हम लोगों को नहीं उपलब्ध हो पाया। और ये सब लोग जान रहे कि ये हम लोगों के प्रस्ताव से, लालू जी की लगातार लड़ाई से बिहार विधानसभा में दो बार पारित हो गया। तो ऑल पार्टी तो था ही, सर्वसम्मति से पास हुआ तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी थी, सब लोग सहमत थे। जब पार्लियामेंट में मना किया गया कि भाई भारत सरकार जो है जाति जनगणना जो है वो नहीं कराएगी, तब हम लोग थोड़े बेचैन हुए और हमने विधानसभा में इस बात को उठाया और दो प्रस्ताव रखे थे कि प्रधानमंत्री जी से मिले या तो राज्य सरकार मना कर देती है भारत सरकार, तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए। तो ये हम लोगों ने किया। उसके बाद कई देर विलंब हुआ, चलिए विलंब हुआ, क्या कारण था अब हमको उस पर नहीं जाना, लेकिन ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की सभी लोगों की जीत है। इससे पता चलेगा भाई कौन दिहाड़ी मजदूर है, कौन जो है माइग्रेट करके रहता है, कौन ढेला धोता है, कौन ठेला ढोता है, कौन कचरा साफ करता है, कौन भूमिहीन है, कौन भीख मांगता है। इससे जो स्पष्ट पता चलेगा और काफ़ी फायदा जो है इस चीज़ की होगी। आज भी हम लोगों ने सुझाव में हम लोगों ने सब कुछ रखा कि इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी होने चाहिए, सोशल जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं ताकि जो डेटा कलेक्ट करें तो उसमें सब चीज़ को कलेक्ट करके एक रूपरेखा जो है वो बताने का काम किया है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो मंडल कमीशन जब था उस समय भी रखा गया था क्योंकि कई जातियाँ उपजातियाँ हैं, कई नाम हैं, तो एक सही फिगर जो है उनके सामने आएगा तो उसका विश्लेषण ये बता सकते हैं कि कैसे क्या है। तो एक तो ये था, एक हम लोगों का था कि भाई जगह नहीं, ये लीगली कोई बाधा ना बने तो इस पर भी क्योंकि दिखवा लेना चाहिए और उसकी शुरुआत करनी चाहिए, तो वो भी जो है बाधा दूर हो गई। और ये तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड जो है सर्वे, इसका जो है नाम है और ये कास्ट बेस्ड सर्वे है ना कि सेंसस। तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए सभी लोगों को कि ये जातीय आधारित गणना है यानी कास्ट बेस्ड सर्वे ये हो रहा है। तो ये हम लोगों की जीत है और सारी चीज़ें, एक चीज़ और है महत्वपूर्ण था कि भाई खर्चा जो होगा ये बहुत ही महंगा होगा, इसका खर्च बहुत लगेगा। देखिए बिहार पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है और ये तो पूरे देश में हो जाता अगर बीजेपी केवल एक कॉलम जोड़ देती तो। जितना खर्चा में सेंसस हो रहा है देश का जो एप्लीकेशन द्वारा हो रहा है तो उतना किसी राज्य पे ये अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। अगर एक कॉलम ही माना था बिहार में मान गई तो देश में मानने में क्या जरूरत, क्या कौन सी बुराई थी भाई, हर स्टेट अपना अपना करा ही रहा है। तो ऐसे जो कमजोर आर्थिक रूप से जो हमारी जो कमजोर स्टेट है, जो गरीब राज्य है, जो पिछड़ा राज्य है, तो हमने ये कहा कि भाई 40 में से 39 तो NDA के MP हैं, 40 में से 39 जब NDA के MP हैं, यहाँ भाजपा 4 ही है, हम लोगों की संख्या राज्यसभा में है और एक कांग्रेस के लोकसभा में है, तो हम लोग जो है इस बात को पार्लियामेंट में उठाएं
और ये भी मांग करे था कि भाई जो खर्चा जो होगा वो भारत सरकार वह करे। भाई आप स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, और यहाँ डबल इंजन की सरकार है, आपको 40 में से 39 MP जिताया है, तो राज्य सरकार तो इसकी शुरुआत कर रही है, वह करेगी ही करेगी, लेकिन मदद करने के लिए भारत सरकार को इसमें आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहिए। और ये बात से तो सब सहमत है कि ये जो भी बेस सर्वे हो रहा है, कास्ट बेस सर्वे हो रहा है, ये पूरे देश में होता तो ये देश हित में है, लेकिन ये बिहार हित में है। तो इससे और कोई जुड़ा हुआ अगर आप लोगों का सवाल है तो हम जो है गिरिराज सिंह ने बयान दिया है, बीजेपी ने क्या किया? सर्वसम्मति नहीं, जब हाउस से ही दो बार पारित हो गया तो क्या कहेंगे अब उनके विषय में। आज तो उन्होंने जो है सर्वसम्मति से ही पास हुआ, तो आज तो हमको कोई दिक्कत लगी नहीं। और दिक्कत किसी को लग ही नहीं सकता है, ये जो कास्ट बेस्ड सर्वे है ये बिहार के लोगों के लिए है, ये हित के लिए है, और देश में होता तो नेशनल इंटरेस्ट में था, तो इसका विरोध करने का तो कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। जनगणना के बाद बिहार की नई तस्वीर दिखेगी यति शीघ्र, हमको जहां तक लगता है, और हमने ये भी कहा कि बेहतर होगा कि जो भी अगला कैबिनेट हो उसमें आप ले आइए। पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे सर, जाति जनगणना पर। नहीं नहीं, काउंट तो वो प्रक्रिया, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह भी देना है, इसका फॉर्म वॉर्म क्या होगा, क्योंकि सभी चीजों की ध्यान रखना है, सब चीज होगा। तो हमको जहाँ तक लगता है, बीच में फ्लड व्लड भी आता है, हमको लगता है कि सबसे उपयुक्त समय तब है जब होना चाहिए, और हमको लगता है इस बात को भी हमने रखा, हमने इस बात को रखा कि जब सब लोग सहमत हैं तो अगले कैबिनेट में लाइए, और अगले कैबिनेट में लाते हैं तो नवंबर के महीने में इसकी गिनती कराइए, क्योंकि नवंबर के महीने में छठ होता है, दशहरा होता है, तो उस समय सभी जो बाहर जो बिहार के लोग रहते हैं वो लोग भी आ जाएंगे, और तब तक जो है इसकी तैयारी कर ली जाए कि कैसे हम ट्रेनिंग लोगों को देंगे, कैसे क्या योजना होगी, क्या प्रस्ताव होगा, ताकि पैसे की भी व्यवस्था कर ली, तो ये सारा व्यवस्था उसमें हो जाएगा। जनगणना के बाद नए बिहार डेवलप बिहार का एक तस्वीर दिखेगा। जीत हो गई क्या देश स्तर पर, क्योंकि बहुत सारे मंडल कमीशन के कई सिफारिशें अभी भी पेंडिंग ही। देखिए इसमें तो केवल आरक्षण ही की बात नहीं है, इसमें तो जो आर्थिक रूप से जो कमजोर, जो अंतिम पैदान पे जो व्यक्ति है उसको भी मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। तो वो दिहाड़ी मजदूर कौन है हमको पता ही, कौन जात के, भीख मांगने वाला कौन जात का है, नाला साफ करने वाला कौन जात का है, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला कौन जात का है, तो हमको तो जानकारी होगी ना कि फलना जात के लिए, तो उसी लिए वो जानकारी जब तक नहीं होगी तो हम उसके लिए विशेष योजना बना ही नहीं पाएंगे। अब हमको पता चलेगा कि फलना जाति के लोग जो हैं, गरीबी हर जाति में है, लेकिन जाति है तो उस पर तो पता चलेगा, तब उसी हिसाब से ना लोग योजना बनाएगा। कटिहार में गिरिराज सिंह ने जातीय जनगणना से पहले एक बयान दे दिया, और इसमें हम लोगों का ये भी था कि जागरूकता के लिए, चाहे सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो भी परंपरागत माध्यम रहे हैं एडवर्टीजमेंट के सरकार द्वारा, उसमें भी लोगों को प्रचार कराना चाहिए, ताकि पता चले कि ये जो सर्वे हो रहा है कास्ट बेस्ड सर्वे, इसमें क्या क्या फायदे लोगों को होंगे, तो इसका भी हम लोगों ने प्रस्ताव। तो आपने तेजस्वी यादव को सुना, उनका साफ तौर पे कहना था कि जाते जनगणना जो है बिहार में होना था और वो हो के रहेगा। तमाम दलों के नेता पहुंचे हुए थे, बैठक हुई, बातें हुई और तय हो गया कि जाते जनगणना अब हो के रहेगा। जब हमने पूछा कि जाते जनगणना होगा कब, तो उन्होंने कहा कि नवंबर के महीने में जाते जनगणना स्टार्ट होगा और छठ के टाइम में ये स्टार्ट होगा। मतलब साफ तौर पे है कि छठ के टाइम में जब बिहार के लोग बिहार में वापस पहुंचेंगे, दूर दूर जो मजदूर दल के लोग काम करते हैं उसी वक्त जाते हैं जनगणना जो है स्टार्ट किया जाएगा, और यही पूरी मामला तय हुआ है कि किस तरह से जाते जनगणना होगा और कब होगा। इसी तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।